पॉपुलर जो वीडियोस है उसको लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई अपना मोस्ट पॉपुलर वीडियोस को ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि मेरा एक वीडियो यहाँ पर, तो जैसे कि मैं यहाँ पर ये वीडियो लेता हूँ, मोबाइल नाम लेकर बताएगा, कुछ इस टाइप से मैंने वीडियोस बनाया था और इस वीडियो को मैं ओपन करता हूँ। आपको इसी टाइप के कुछ करना है, आपको आपका चैनल का जो मोस्ट पॉपुलर वीडियोस है वो आपको देखना है। पहले मैं जैसे देख रहा हूँ वैसे आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो इस वीडियोज़ में मेरे जो है 1000 रियल टाइम व्यूज़ जो है 48 घंटे में आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियोस के यहाँ पर डिस्कवर फीचर्स में आना है। यहाँ पर जो डिस्कवर फीचर्स यहाँ पर नज़र आ रही है, तो डिस्कवर फीचर्स में जैसे आओगे तो यहाँ पर आपको एक चीज़ जो है वो देखना है कि आपका वीडियो YouTube कितना सजेस्ट कर रही है, ठीक है। और रियल और जेन्युइन तरीका बताऊंगा, कोई भी अदर फेक या कुछ भी नहीं बताने वाला हूं, ठीक है। तो यहाँ पर सजेस्टिंग वीडियो आप देख सकते हो, मेरा 48% सजेस्ट से वीडियोज़ से व्यूज़ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर सजेस्टिंग वीडियो पर मैं टैप किया और यहाँ पर देख सकते हो, अभी मैं यहाँ पर लास्ट 60 मिनट पर करता हूँ तो अभी आप देख सकते हो मेरे 93% वीडियो व्यूज़ जो है सजेस्ट से आ रहे हैं। 93% व्यूज़ सजेस्ट से आ रहे हैं और इसमें ज़्यादा जो व्यूज़ आते हैं वो आते हैं सजेस्ट और सर्च फीचर से, ठीक है। तो ये दो चीज़ देख सकते हो, यहाँ पर सजेस्ट मेरे जो है सजेस्ट से व्यूज़ आ रहे हैं, पहला चीज़। अब दूसरा चीज़ भी आपको दिखा देता हूँ। तो दूसरे चीज़ के लिए मैं एक दूसरा वीडियोज़ को रखा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर देख सकते हो ये मेरी वीडियोज़ जो है, यहाँ पर एनालिटिक्स पे मैं टैप करता हूँ और यहाँ पर एनालिटिक्स पे मैं आया और यहाँ पर डिस्कवर फीचर्स में आपको आना है उसी टाइप से जैसे मैंने बताया। और डिस्कवर फीचर्स में अभी आप देख सकते हो यूट्यूब सर्च से मेरे जो है यहाँ पर व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं। यहाँ पर लास्ट 60 मिनट पे अगर करता हूँ तो मेरे यूट्यूब सर्च से 100% व्यूज़ जो है यूट्यूब सर्च से आ रहे हैं। और अगर आपके यूट्यूब सर्च से व्यूज़ आ रहे हैं तो फिर आपको ग्रो करने से कोई रोक नहीं सकता, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ कि YouTube सर्च में सिर्फ आने से ही आपका चैनल ग्रो नहीं करेगा, आपका वीडियो में दम होना चाहिए, क्योंकि आपके वीडियो सर्च में तो आ रही है लेकिन आपका वीडियो कौन कितना देख रहा है। अगर आप अच्छा जब तक नहीं बनाओगे तो आपका वीडियो पूरा कोई देखेगा नहीं, और सर्च में आने के वजह से भी आपका कोई मतलब सब्सक्राइबर जो है नहीं बढ़ेगा, ठीक है, मतलब कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा। अब यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ सर्च में आपका यूट्यूब वीडियोज़ कैसे आएगा, तभी आपको दो ट्रिक यहाँ पर बता रहा हूँ, सब सर्च में कैसे आएगी आपकी वीडियोज़ वो मैं बताता हूँ। सो दोस्तों, अपने वीडियोज़ को यूट्यूब सर्च में सबसे पहले आपको लाना सीखना पड़ेगा, उसके बाद सर्च में आने लगेगी तो फिर आपके ऑटोमेटिक सब्सक्राइबर जो है बढ़ने लगेंगे। और इसके बाद भी एक ट्रिक बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यूट्यूब के सर्च बार जो सर्च में होती है वहाँ पर आना है और यहाँ पर सर्च करना है हाउ टू, जो भी आपका मतलब टॉपिक है जो आप वीडियोज़ बना रहे हो उस टॉपिक को सर्च करना है। जैसे कि मैं अगर वीडियोज़ बना रहा हूँ कि हाउ टू इंक्रीज INCREASE इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज इंस्टाग्राम फॉलोवर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इंस्टा लिख देता हूँ और इंस्टा लिखते ही बस इतना ही आपको लिखना है, बाकी आगे कुछ नहीं। जैसे आपका जो टॉपिक अगर यूट्यूब यहाँ पर डालना है हाउ टू इंक्रीज यूट्यूब सब्सक्राइबर तो आपको यूट्यूब लिखना है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं इंस्टा लिख रहा हूँ तो यहाँ पर सिर्फ इंस्टा लिखना है, इतना ही मुझे लिखना है, पूरा नहीं लिखना है। यूट्यूब अगर सर्च कर रहे हो तो आपको यहाँ पर सिर्फ यूट्यूब खाली लिख सकते हैं आप, ठीक है, सिर्फ यूट्यूब जैसे ही लिखोगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पर जो है सर्च में नज़र आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे मेरा टॉपिक था हाउ टू इंक्रीज इंस्टा फॉलोवर, इंस्टाग्राम मैं नहीं लिखा, सिर्फ इंस्टा लिख दिया हूँ। अब यहाँ पर आपको इसमें से जितने भी टैग दिख रहे हैं, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपको बहुत सारे टैग दिखेंगे, आपको टोटल जितने भी टैग हैं सभी को एक एक करके अपने टैग मतलब वीडियोज़ के टैग में कॉपी मारना है। कॉपी मतलब यहाँ से कॉपी करना है और वहाँ पर आपको पेस्ट करना है, लेकिन यहाँ पर से कॉपी आपको किस टाइप से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप क्रोम ब्राउजर से यूट्यूब खोलिएगा तो ये सब आप एक साथ कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी कॉपी करके आपको टैग में लगाना है और इससे दो ऐसे टैग को उठाना है, जैसे कि आपका इंस्टाग्राम फॉलोवर कैसे बढ़ाना है टॉपिक है उसी से रिलेटेड जो आप टाइटल डाले वहाँ पर आपको ये दो मतलब शुरुआत के दो टैग जो है वो टाइटल में आपको लिखना है, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको एक टैग लिख ही देना है, ठीक है। बाकी ये तीन चीज़ करते हुए आपका वीडियो जो है रैंक कर जाएगी। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ कि एक के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है बट कम्युनिटी एक के सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर कम। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो मैं एक वीडियो सर्च कर रहा हूँ एक के सब्सक्राइबर कंप्लीट बट कम्युनिटी टैब नॉट इनेबल। अभी मैं जिस पे इस पर सर्च करता हूँ, सर्च करने के बाद अभी आप देख सकते हो फर्स्ट में जो है हमारी वीडियो जो है नज़र आ रही है, फर्स्ट में हमारे ही वीडियोज़ जो है नज़र आ रही है। तो ये चीज़ मैंने उसी टाइप से सर्च करके मतलब जैसे मैं सर्च करता हूँ तो अभी आप देख सकते हो बहुत सारे क्रिएटर का वीडियो जो है नीचे है लेकिन हमारी वीडियो नंबर 1 पे रैंक कर रही है, हमारी वीडियो आप देख सकते हो। तो बस यही था कि आप लोग भी समझ गए होंगे कि सर्च का कैसे आपको क्या करना है ताकि आपका भी वीडियो सर्च में। अभी तक देख सकते हो ये 4 मंथ हो गए हैं लेकिन फिर भी अभी फर्स्ट नंबर सर्च पे ही है।
और फेसबुक पे आना है, फेसबुक पे आपको सर्च करना है यूट्यूब सब्सक्राइबर। आपको बहुत सारे ऐसे ग्रुप देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो यूट्यूब सब्सक्राइबर है, तो यहाँ पर से आप मतलब जो है ज्वाइन कर सकते हो इस ग्रुप में। और ज्वाइन करने के बाद अभी आप देख सकते हो यहाँ पर कोई कोई लिंक सेंड करता है तो वहाँ पर 800-900 लाइक रहते हैं, 4K कमेंट है, देख सकते हो लाइक 900 है लेकिन कमेंट 4K हैं, देख सकते हो। तो इस टाइप से आप लोग अपना जो है लिंक को पेस्ट कर सकते हो शुरुआती दौर में, अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए। और यकीन मानिए ये फेसबुक वाले ग्रुप में जैसे ही आप अपना पोस्ट डालोगे, यहाँ पर अपना चैनल का लिंक डालोगे जो भी है, तो आप खुद बोलोगे वाओ भाई क्या तूने ट्रिक बताई। और 7 दिन के अंदर क्या 5 दिन के अंदर अंदर आपके 1 से 2 हज़ार सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे अगर आप अच्छे से वीडियो बनाओगे तो। अब क्योंकि YouTube सर्च में आपके वीडियो आने से 100% व्यूज़ तो आएंगे ही, और व्यूज़ आने के बाद अगर आपका वीडियो में दम है तभी आपका वीडियो को कोई मतलब चैनल को सब्सक्राइब करेगा, इसलिए आपको वीडियो बढ़िया बनाना है। सो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में ऐसे किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।